हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर और भोजन करने का काम करते हैं, सलाह मशविरा करने का काम, खिला रहे थे कौन क्या खा रहा है, क्योंकि हम तो शाकाहारी आदमी हैं। अब यहाँ था केवल मांसाहारी, चावल और घी हम सलाद खाए हैं, ऐसे नहीं, हम 80 से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका खाने का खिलाने का जो स्टाइल है हम समझते हैं हम उसके कायल हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में राजद के एमएलए एमएलसी मंत्री सभी नेता शामिल हुए थे। एक जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बैठक बुलाई थी, यह माना जा रहा था कि 2024 और 25 के चुनाव के लिए यह बैठक बुलाई गई, लेकिन जब भाई वीरेंद्र से हमने बात की, भाई वीरेंद्र जब बाहर निकले तो उन्होंने कह दिया कि बस ये बैठक जो थी ये गेट टुगेदर था। लालू प्रसाद यादव कई महीनों के बाद अपने आवास पर पहुंचे तो उन्होंने तमाम अपने नेताओं को बुलाया था मिलने के लिए, और जो पुराना अंदाज था, लालू प्रसाद यादव खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है और खिलाने के भी, भाई वीरेंद्र ऐसे बताते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। 2024 को लेकर खास करके क्या उन्होंने कहा? देखिए, गेट टुगेदर था, फिर नीचे थोड़ा सा नीचे, और चूंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर और भोजन करने का काम करते हैं, सलाह मशविरा करने का काम करते हैं, और वही आज हम लोग को बुलाकर और घूम घूम कर लोगों को खिला रहे थे कौन क्या खा रहा है, क्योंकि हम तो शाकाहारी आदमी हैं। अब यहाँ था केवल मांसाहारी, चावल और घी हम सलाद खाए हैं, तो उन लोगों ने अफसोस किया, करे शाकाहारी क्यों तो नहीं बनाया था, सब शाकाहारी बनना चाहिए था। तो ये एक उनका स्टाइल है शुरू से, और आज से नहीं, हम 80 से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका खाने का खिलाने का जो स्टाइल है हम समझते हैं हम उसके कायल हैं। और लालू जी बहुत शौकीन आदमी है खाने में और खिलाने में, और हम लोग को केवल बुलाए थे मिलने जुलने के ख्याल से, गेट टुगेदर के लिए। जो लोग थे यहाँ आए हैं, जो नहीं दूर थे वो नहीं आ पाए हैं, उन लोगों ने अपनी असमर्थता जाहिर किया है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये गुड गेट टुगेदर था और मिलने के नहीं सियासत देखिए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा आज के दिन में, और हमेशा होते रहता है 24 के तैयारी में, हम सारे लोग लगे हुए हैं और लोगों को ये बताने का काम करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान की चर्चा है, परिचर्चा है, पूरे बिहार में हमारी पार्टी का चल रहा लास्ट डे है, उसके माध्यम से हम अपने लोगों के यहाँ जाने का काम किए हैं, बताने का काम किए हैं कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, हम लोग को कैसे तैयार रहना चाहिए। और बीजेपी वाले ये जो लोग हैं, यहाँ अंग्रेज के दलाल रहे हैं और दलालों के हाथों में सत्ता आ गई है, इसलिए इस दलालों को कैसे देश से भगाया जाए, उसके लिए हम लोग जनता से मिल रहे हैं। ओके ओके ओके। तो आपने देखा, भाई वीरेंद्र ने साफ बता दिया कि इस बैठक में कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई है, सिर्फ गेट टुगेदर था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के कई महीनों बाद वो अपने आवास पर पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने तमाम नेता मंत्रियों को बुलाया था ताकि उनसे मिल सके, बातचीत हो सके, साथ में बैठकर उन्होंने खाना खाया। लेकिन एक बात भाई वीरेंद्र ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से जो बीजेपी है वो अंग्रेजों के दलाल हैं और 2024 के चुनाव में उनसे लड़ना है और उन्हें उखाड़ फेंकना है, तो भाई वीरेंद्र इस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें बता दिया कि अंदर में किसी तरीके की पॉलिटिकल बातें नहीं हुई है, लेकिन तमाम नेता जब पहुंचे थे तो बस बातचीत हुई, लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, साथ में बैठकर खाना खाए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र। इस तरह के तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।